नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज की टॉप 10 खबरों के लिए मैं हूँ आपके साथ रत्नाकर। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने दो दिवसीय जम्मू कश्मीर के दौरे के दूसरे दिन श्रीनगर में बलिदान स्तंभ का शिलान्यास कर दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की याद में यह बलिदान स्तंभ बनाया जाएगा। महाराष्ट्र के स्कूल स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। राज्य के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक बड़ा फैसला लिया है। 5 और 8वीं के छात्र छात्राओं को अब से अगली क्लास में जाने के लिए सालाना इम्तिहान पास करना जरूरी होगा। यानी 5वीं और 8वीं के स्टूडेंट्स को अब 6ठी और 9वीं कक्षा में तभी प्रवेश मिलेगा जब वे एनुअल एग्जाम पास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को पटना में विपक्षी दलों की बैठक में उद्धव के महबूब के साथ बैठने पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि ये सब अपने बच्चों के लिए वहां गए हैं। पटना में विपक्षी दलों की बैठक खत्म होने के बाद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा है कि तानाशाही के खिलाफ एक होकर वे लड़ाई लड़ेंगे। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अगस्त महीने से बाजार में इथेनॉल से चलने वाली बाइक और कारें आ रही हैं। एनसीबी के पूर्व प्रमुख समीर वानखेड़े पर जबरन वसूली रिश्वतखोरी का आरोप है। वानखेड़े हाई प्रोफाइल केस शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के ड्रग्स मामले की जांच कर रहे थे। अमेरिकी सिंगर मेरी मेलबर्न ने वॉशिंगटन डीसी में रोनाल्ड रिगन बिल्डिंग में भारत का राष्ट्रगान गाया और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छुए। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। टेस्ट और वनडे दोनों में रोहित शर्मा कप्तान होंगे, लेकिन उपकप्तानी का रोल बटा होगा। टेस्ट सीरीज में जहां अजिंक्य रहाणे रोहित शर्मा के डिप्टी की भूमिका में होंगे, वही वनडे में यह काम हार्दिक पांड्या करते दिखेंगे। रूस और यूक्रेन के बीच अभी भी युद्ध चल रहा है, लेकिन इसी बीच मॉस्को के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। रूस के अंदर ही बड़ा विद्रोह छिड़ गया है। रूसी सेना पर उसका अपने ही वैगनर ग्रुप हमले कर रहा है। कभी ये ग्रुप रूस की ताकत हुआ करता था। प्रधानमंत्री मोदी की अमरीकी यात्रा समाप्त हो गई है। आज वो मिस्र के लिए रवाना हो गए। इससे पहले उन्होंने वॉशिंगटन डीसी में रोनाल्ड रिगन सेंटर में भारतीयों को संबोधित किया। इस दौरान मोदी के नारे लगते रहे। यात्रा को समाप्त होने पर पीएम ने कहा कि एक बहुत ही विशेषी अमेरिकी दौरा समाप्त हुआ है। तो ये थी आज की टॉप 10 खबरें। खबरों का सिलसिला एनबीसी न्यूज पर यूं ही लगातार चलता रहेगा। बने रहिए हमारे साथ एनबीसी न्यूज पर। नमस्कार।